यकीन करें यहाँ पे बड़ा मज़ा आया, बहुत ही ज़बरदस्त तस्वीरें यहाँ पे बनी हैं, बहुत इंजॉय किया। जो तस्वीरें हैं वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, इंस्टा को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, अब एक चश्मा आ गया है, चश्मा बहुत प्यारा है, बहुत ठंडा पानी है, इसका पानी बहुत साफ़ है लेकिन पीने के लिए नहीं है। मुकामी लोगों का कहना है कि पानी पीना नहीं चाहिए क्योंकि ऊपर पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमी होती है वहाँ पर जंगली जानवर भी फंस जाते हैं और काफ़ी दफ़ा जो है वो मुर्दा पाए जाते हैं पानी के अंदर ही, तो इसलिए पानी पीने के काबिल नहीं है। और पानी भी ठंडा नहीं, बल्कि वो कहते हैं ना कि यख ठंडा, वो वाला। और इस चश्मे पर भी तस्वीरें तो बनती हैं ना यार। अच्छा, मेरा ना इधर इरादा बन गया था नहाने का, लेकिन पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि एक मिनट से ज़्यादा इसमें रुका ही नहीं गया। यहाँ पे चारों तरफ ग्रीनरी है, बीच में ये चश्मा बह रहा है, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया, पैसे पूरे हो गए हैं। पानी इतना ज़्यादा ठंडा है कि हाथ नहीं लगाया जा रहा, तो इसलिए नहा तो नहीं सकते, हाथ मुँह धोने पे गुजारा कर लेते हैं। और साथ ग्रीनरी देखें, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अब हम किवाई पहुंच चुके हैं, यहाँ पर भी एक आबशार है जो कि बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर बैठने का भी खूबसूरत इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर कुछ देर बैठकर गरम गरम चाय पीने का अपना ही मज़ा है। और साथ ही एक फार्म भी है ट्राउट फिश का, ये फिश देखें तालाब के अंदर तैरती हुई कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पे बिल्कुल ताज़ा फिश आपको मिलेगी, आप इसके कबाब बनवा सकते हैं,
यानी ताज़ा फिश अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से मिल जाती है। और तालाब में तैरती हुई ये मछलियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये जो आबशार है ना बहुत प्यारी है, यहाँ पे बैठने का इंतज़ाम भी है। देखें कैसे लोग बैठे होंगे, मज़े से नीचे से पानी गुजर रहा है, चार पहियों पे बैठ के आप भी यहाँ पे चाय पिए तो मैं कहता हूँ मज़ा आ जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, ये ना हो कि दोबारा रात हो जाए। हमें सफ़र करते हुए काफ़ी देर हो चुकी है, आगे का रास्ता भी पता नहीं कैसा है। आपके पास टाइम हो तो आप यहाँ पर ज़रूर रुकें क्योंकि बहुत प्यारा माहौल है। इसलिए मेरा ख्याल है कि यहाँ पर अपनी सवारी पर आना चाहिए ताकि आप खुल कर इंजॉय कर सकें। वैसे आज मौसम भी बहुत प्यारा है। रास्ते में ना आपको जो भेड़ के रेवड़ हैं ये लाजमी मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा रेवड़ आते हैं और ये भी एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। अब ये देखिए कितनी प्यारी भेड़ लग रही हैं। और रास्ते में आपको काफ़ी जगह पर बर्फ़ के अंदर से गुजरना पड़ेगा। ये देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पर, और बर्फ़ पिघल कर पानी बना हुआ है और पानी का बहाव इस वक्त काफ़ी तेज़ है क्योंकि धूप निकली हुई है और बर्फ़ तेज़ी के साथ पिघल रही है। और रात को ये जो चश्मे हैं ये स्लो हो जाते हैं क्योंकि बर्फ़ फिर कम पिघलती है। अभी आगे देखें एक गाड़ी पानी में फंस चुकी है, ट्रैक्टर ट्राली के साथ उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। होंडा स्विक गाड़ी है, यहाँ पानी थोड़ा गहरा था इसलिए गाड़ी बंद हो गई है और स्टार्ट नहीं हो रही। इस तरह के जो मसले मसाइल हैं यहाँ पर आम तौर पर आपको देखने को मिल जाते हैं और मुकामी लोग सियाहों की यहाँ पर मदद काफ़ी ज़्यादा करते हैं। और सफ़र में इन चीज़ों का आपने ख्याल भी रखना है। आप पानी का बहाव चेक करें, पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है जिसकी वजह से गाड़ी को निकालने में मुश्किल पेश आ रही है। आप भी वीडियो में चेक करें कि पानी की स्पीड कितनी ज़्यादा है। रास्ते में एक डैम भी बन रहा है, बल्कि तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, बहुत खूबसूरत डैम है। यहाँ पर रास्ता अब खुल चुका है, यहाँ अभी हैवी मशीनरी काम कर रही है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। वो देखिए सामने एक डैम्पर आ रहा है, उसने नीचे जाना है जिसकी वजह से उसका इंतज़ार करना पड़ रहा है। वो देखें वो स्लिप भी हो रहा है क्योंकि इस पर लोड बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से ये स्लिप हो रहा है। ये डैम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, किनारी डैम इसका नाम है और बहुत प्यारा डैम बन रहा है। 800 850 मेगावाट मेरा ख्याल है कि इसमें बिजली पैदा होगी और जो नेशनल ग्रिड में जाएगी पूरे पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा। तो बहुत प्यारा डैम ये बन रहा है और तकरीबन आखिरी मराहिल में है। तो चलें इतनी देर में हमारा जो रास्ता है वो भी खुल चुका है तो हम दोबारा सफ़र शुरू करते हैं। ये डैम काफ़ी आसानी से बन गया है क्योंकि दोनों तरफ तो पहाड़ हैं, सिर्फ इन्होंने पानी रोकना था और आगे जो है मशीनरी लगानी है। वो तकरीबन आखिरी मराहिल में है, इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है कि 2024 के अंदर यहाँ से बिजली पैदा होना शुरू हो जाएगी। बर्फ़ के अंदर गर्मा गर्म मकई की छली पठान भाई ने तो कमाल कर दिया है। 50 रुपये में तो इतनी महंगी नहीं है, मैं सोच रहा था शायद काफ़ी महंगी होगी लेकिन 50 रुपये तो मुनासिब रेट है। सुभान अल्लाह, ये सारी बर्फ़ है जितनी भी आपको नज़र आ रही है ना, ये बर्फ़ के पहाड़ हैं, वो ऊपर से लेके नीचे तक सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है। ऊपर मिट्टी पड़ गई है जिसकी वजह से इसका कलर ख़राब हो गया, वरना ये नीचे से बिल्कुल सफ़ेद बर्फ़ है। खुदा की कुदरत देखें कितना बर्फ़ है यहाँ पे, और जहाँ से हम आ रहे हैं मुल्तान से वहाँ पे कितनी गर्मी है।
माशाल्लाह चारों तरफ ग्रीनरी है और ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ नज़र आना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे भी एक आबशार आ गई है, पानी काफ़ी तेज़ है इसलिए थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। गाड़ियाँ आ रही हैं सामने से, पहले उनको रास्ता देना है फिर हम जाएंगे। पानी मुझे काफ़ी गहरा लग रहा है। वो गाड़ी वाला तो डर रहा है। पीछे जो डाला खड़ा है वो अब आगे आ रहा है। वो गाड़ी वाला डर है आगे आने से, लेकिन ठीक है क्योंकि यहाँ पर एहतियात करनी चाहिए। नहीं पता कि नीचे कोई गहरा खड्डा हो, इसलिए बड़ी एहतियात के साथ क्रॉस करना चाहिए। सुभान अल्लाह, एक और बर्फ़ की टनल आ गई है। बर्फ़ है दोनों तरफ और हम बर्फ़ के बीच में से जा रहे हैं। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम नरार पहुंच चुके हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं नरार, अभी हम ऑटो में जा रहे हैं और ट्रैफिक वालों ने रोक लिया, कोई चालान वगैरह निकाल कर रहे हैं शायद, तो वैसे रोक चेकिंग वगैरह के लिए। अभी हम जाएंगे सामने, पीछे आपको होटल नज़र आ रहे होंगे, थोड़ा सा दूर है अभी, ये बिल्कुल एंट्री पॉइंट है नरार का। आप देखिए गाड़ियाँ वहाँ से आ रही हैं, ये एंट्री पॉइंट है। लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने होटल पे पहुंच चुके हैं। होटल माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी अंदर जाएंगे और देखेंगे किस तरह का है। बाहर से तो काफ़ी खूबसूरत है, पार्किंग वगैरह ज़बरदस्त है और जो रिसेप्शन है काफ़ी अच्छी बनाई है। तो हम गाड़ी पर से अपना जो सामान है वो ले लेते हैं। सामान गाड़ी के ऊपर ही था, शुक्र है कि बारिश नहीं आई रस्ते में। लो जी, अपना अपना सामान ले लो भाई। लो जी, मेरा बैग तो आ गया है। सामान लेने के बाद चलते हैं रूम में। लो जी, हम पहुंच गए हैं जी अपने रूम में। ये हमारा रूम है, 3 दिन हम यहाँ पे रहने वाले हैं। ये सामने बेड हैं और LCD लगी हुई है, सोफे पड़े हैं। रूम काफ़ी खूबसूरत है। वॉशरूम देखते हैं किस तरह का है। शुक्र है कि वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। शावर लगा हुआ है, बेसन लगा हुआ है, पानी गर्म मिलेगा, साबुन पड़ी हुई है, तौलिया पड़ा हुआ है, नहा भी सकते हैं। मज़े भी मज़े। अच्छा यार, इसका जो बालकनी है वो भी दिखाता हूँ आपको, बहुत ज़बरदस्त है। व्यू देखें बाहर, क्या बात है। और ये नज़ारा देखें, वाह क्या बात है भाई। अब देखें बाहर से, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। ओए होए 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 होए, सुभान अल्लाह, तेरी गाड़ी कहाँ पर जा रही है। माशाल्लाह रूम अच्छा मिला है और अभी बस तैयारी है, थोड़ा सा मोबाइल चार्ज कर लें, मोबाइल चार्ज करके फिर थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, उसके बाद फिर सोएंगे क्योंकि रेस्ट नहीं किया, 2 दिन हो गए हैं। तो दोस्तों आज का जो व्लॉग है उसको यहीं पे एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह। अल्लाह हाफिज़।